हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द लिक्विड डोजेस फॉम एंड दिस इज अवर पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड वी आर स्टडी इन डिटेल अबाउट द वेरियस मोनो एज वेल एज द बायो लिक्विड डोजेस फॉर्म so in previous lectures we have uh, discussed in detail about the syrup also about the elixir drops linctus and also we have discussed in detail about the dose preparation so uh, in today's lecture we will discuss in detail about some more monophasic liquid doses form in detail so let's start in this lecture सोस बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आईकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल है पी पी टीज एन पी डी एफ अवर ऑफ अवर लेक्चर्स वगैरह जो अवेलेबल है फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पर तो जी पैट नाइपर डी ए एन फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर स्टडी मटेरियल वगैरह जो फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएगा अभी डाउनलोड करिए करिएफ फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 365 प्रीमियम टेस्ट मिलेंगे 365 डेज में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड अटेम एंड सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यू सो दिस इज द डिटेल ऑफ दिस टेस्ट सीरीज यू कैन गेट इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस एंड ऑल्सो गेट योर रैंक बेज ऑन योर परफॉर्मेंस सो दिस ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन दिस एप फार्मरॉक्स डाउनलोड द ऐप फार्मरॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले तो जो हम डिस्कर्स कर रहे हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म तो सबसे पहले आपको अच्छे से याद रखना है उसका क्लासिफिकेशन कि वॉट इज द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लिक्विड डोजिस फॉर्म तो लिक्विड डोजिस फॉर्म में दो टाइप पड़ते हैं एक है मोनोफेजिक एंड सेकंड इज द बायफेजिक मोनोफेजिक को आप इंटरनल और एक्सटर्नल प्रिपरेशंस में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एंड बायफेजिक में आएगा सस्पेंशन एंड इमल्सन अब यही क्लासिफिकेशन को और हम डीप में देखें तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म के ही अलग अलग हम क्लासीफाई कर सकते हैं लाइक मोनोफेजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म फॉर ओरल यूज़ सिर्फ हम उसको ओरल कैविटी के लिए ही यूज़ करेंगे कि लाइक मिक्सचर है हमारे पास लिंटसिस है ड्रॉट प्रिपरेशन है एलिक्जीर सिरप ड्रॉप्स वगैरह जो है वो हम ओरल यूज़ करते हैं उसके बाद ऐसे लिक्विड डोजेस डोजफॉर्म है मोनोफेजिक की जो एक्सटर्नल प्रिपरेशन से कि लाइक आप कोई लोशन यूज़ करते हैं लिनीमेंट यूज़ करते हैं कॉलोडियंस है तो वो सब है एक्सटर्नल यूज़ के लिए उसके बाद मोनोफिजिक लिक्विड डूज फॉर्म फॉर स्पेशल यूज़ के गार्गल तो गार्गल माउथ वॉश स्पेशली हम ओरल कैविटी के लिए यूज़ करते हैं सेम लाइक दैट थ्रोट पेंट है ईयर ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स आई लोशंस वग़ैरह स्पेशली हमारे जो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के जैसे कि आई ईयर के लिए यूज़ करते हैं नज़ल ड्रॉप्स एंड नज़ल स्प्रे है डूज प्रिपेस है एनिमा है इन्हेलेशन, एरोजोल वगैरह मोनोफेजिक में ही इंक्लूड होते हैं बट दे आर फॉर स्पेशल यूज़ कि पर्टिकुलर कुछ स्पेशल यूज़ हो तो उसके लिए हम उनको यूज़ करते हैं और पेरेंट्रल प्रिपरेशंस जो है जितने भी पेरेंट्रल सॉल्यूशनस है कि डिटेल में हमने पेरेंट्रल चैप्टर सीखा था कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल एंड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल तो दोनों पेरेंट्रल प्रिपरेशन खासकर जो है वो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ही है मोनोफेजिक मतलब कि जिसके अंदर एक ही फेज है कि ओनली वन फेज कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो सिरप हम देख सकते हैं तो जिसके अंदर सुगर जो है वो वाटर के अंदर कंप्लीटली जो है वो मिसिबल हो जाती है और उसका बनाती है सेचूरेटेड सॉल्यूशन सेचूरेटेड सॉल्यूशन और जो सेचूरेटेड सॉल्यूशन है वो है सिर्फ वन फेज़ के अंदर उसके अलग अलग फेजेस नहीं है आइधर लिक्विड फेज जिसके अंदर हम एक ही लिक्विड फेज कि चाहे वो वाटर फेज़ हो या फिर ऑयल फेज हो तो समझो कि ऑयली प्रिपरेशन से कोई तो उसको कोई ऑयल के अंदर आप डिजोल्व करते हो इंग्रेडिएंट्स uh, को और वो उस टाइप के मोनोफेजिक लिक्विड डोजिसम्प बनेगा कंटेनिंग ऑयल और ऐसे की जिसके अंदर आपने वहीकल के तौर पे लिया है वाटर तो ये है लिक्विड डोजिसम्प का और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देखे तो मोनोफेजिक और बायोफेजिक मोनोफेजिक के अंदर औरल यूज के अंदर सोल्यूशन ड्रॉट ड्रॉप्स लिंटस सिरप एलेक्सर वगैरह एक्सटर्नल यूज के प्रिपरेशन हमने देखी जो जो अलग अलग लेसनस है लिनीमेंट्स वगैरह है वो एक्सटर्नल प्रिपरेशन से पेरेंट्रल है स्पेशल यूज वाले फिर फिजिक का समझो कि आप डिटेल में देखते हो तो लिक्विड इन लिक्विड औरल यूज़ में इमल्सन और एक्सटर्नल यूज में आप लिनीमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं एंड सॉलिड इन लिक्विड पैरेंट्रल औरल सस्पेंसन एंड एक्सटर्नल लोशन की जो कुछ बायोफिजिक है कि कुछ लोशन से जैसे लाइक कैलेमाइन लोशन तो कैलेमाइन लोसन जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा और जो अदर नॉर्मल लोशन होते हैं वो भी कई बार मोनोफिजिक के अंदर हम इंक्लूड करते हैं तो स्पेशली लिक्विड डोजेस फॉर्म कैसे है तो ट्रू सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर सॉल्यूशन कब बनता है कि जिसके अंदर आपके पास दो होते हैं कंपोनेंट एक होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब कि जिसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है उसको आप कहोगे सॉल्वेंट और जिसकी क्वांटिटी कम है वो कहा जाएगा सॉल्यूट तो द कंपन ऑफ द सॉल्यूशन विच रिप्रेजेंट द लार्ज क्वांटिटी इज कॉल ए सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इस टर्म एज अ सॉल्यूट की जो भी सॉल्यूशन बनता है जिसके अंदर सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है एंड सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में लाइक एन का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो फाइव ग्राम एन है एंड हंड्रेड एम एल वाटर है तो एन तो के कंपेयर में वाटर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है इसलिए एन क्या होगा हमारा सॉल्यूट और सॉलवेंट के तौर पर होगा वाटर तो ऐसे हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा पार्ट थ्री के अंदर टॉपिक है मेन वो है लिनीमेंट्स तो लिनीमेंट्स के बारे में हम पार्ट थ्री के अंदर जानते हैं कि वॉट इज लिनीमेंट तो लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रिपेरेशन्स मीनड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन कि लिनीमेंट्स को स्पेशली हम स्किन ऊपर अप्लाई करते हैं टॉपिकल प्रिपेरेशंस भी उसको हम कह सकते हैं प्लस दे आर ऑलवेज यूज फॉर एक्सटर्नल कि जब भी आप लिनीमेंट बनाओगे तो लेबल करोगे कि एक्सटर्नल यूज ओनली कि प्रॉपर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉटल के ऊपर फॉर एक्सटर्नल यूज ऑनली टर्पेन्टाइन लिनीमेंट कि बॉटल पे भी रेड कलर से प्रॉपर बोल्ड uh, लेटर्स में लिखा है कैपिटल लेटर्स में कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली तो ये इसलिए लिखा जाता है कि ये जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ आप एक्सटर्नली ही यूज करते हैं इंटरनली यूज नहीं करते लिनिमेंट्स आर यूजली अप्लाई टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन के प्रॉपर स्किन के ऊपर हम रबिंग एक्शन से उसको अप्लाई करते हैं लिनिमेंट्स में भी अल्कोहलिक और ऑयली सोल्यूशंस और इमल्सन की अल्कोहलिक हो तो अल्कोहल के अंदर ऐसे ड्रग्स आप मिक्स करते हैं कि जो उसके अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल है तो जब अल्कोहलिक लिनिमेंट होगा तो वो प्रिपरेशन ऐसी होगी कि जिसके वो हो जाएगी मोनोफेजिक। बट समझो कि आपका जो है लिनिमेंट कई बार ऑयली सॉल्यूशंस भी होते हैं कि जिस वो भी बनाते हैं मोनोफेजिक। बट जब लिनिमेंट इमल्सन्स टाइप का होता है तो उसको हम कवर करते हैं बायफेजिक के अंदर तो इसीलिए आपने क्लासिफिकेशंस के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे आपको शायद दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि कुछ टेबल्स के अंदर कुछ चार्ट्स के अंदर लिनिमेंट को मोनोफिजिक में दिखाया गया है एज अ एक्सटर्नल प्रिपरेशंस एंड कुछ जो चार्ट है उसके अंदर उसको बायोफिजिक में रखा है इन इमल्सन फॉर एक्सटर्नल यूज तो दोनों सही है बिकॉज कि जब वो अल्कोहलिक या फिर ऑयली सॉल्यूशन होते हैं तो उस वक्त वो मोनोफिजिक डोजेस पंप का काम करते जिसलिए उसको मोनोफिजिक के अंदर भी हम कैटेगराइज करते हैं और कुछ लिनिमेंट्स ऐसे हैं कि जो इमल्सिफिकेशन के टेक्निक से हम बनाते हैं और वो होते हैं बायोफिजिक तो ये क्वेरी आपको अच्छे से सॉल्व करनी है ऑफ लिनिमेंट सो वॉट इज द रोल ऑफ अल्कोहल इन दिस लिनिमेंट तो अल्कोहल हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ द मेडिकामेंट्स

अराचीज़ ऑयल इज़ यूज इन सम इनिमेंट्स विच स्प्रेड मोर इजिली ऑन द स्किन अब कुछ हिमलसंस कुछ लिनिमेंट्स के अंदर हम अराचीज ऑयल को यूज़ करते हैं तो उसके यूज़ करने का पीछे रीज़न ये है कि अराचीज ऑयल के कारण जो स्प्रेड है करना कि जो हम एक फैक्टर कंसिडर करते हैं लिनिमेंट्स वगैरह में कि एक स्प्रेडेबिलिटी तो स्प्रेडेबिलिटी जब आपको अच्छी चाहिए कि अच्छे से आप उसको स्किन ऊपर स्प्रेड कर सके अच्छे से उसको स्प्रेडेबल बना सके तो उसके लिए एक इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं हम अराची सॉइल रूबीफिशेंट एक्शन के लिए अल्कोहल का यूजफुल है और उसका एक एग्जांपल है टर्पेंटाइन लिनीमेंट कि जो टर्पेंटाइन लिनीमेंट है उसका जो मेन बेसिक यूज़ है व्हाट इज़ द मेन बेसिक यूज़ ऑफ़ दिस टर्पेन्टाइन लिनिमेंट कि जब काउंटर इरिटेंट आपको इफ़ेक्ट चाहिए एक्शन चाहिए तो उसके लिए हम टर्पेंटाइन लिनिमेंट यूज़ करते और स्पेशली जॉइंट पेन वगैरह है तो उस वक्त जो स्पेशली जो हम मसाज करने के लिए मालिश करने के लिए हम टर्पेंटाइन लिनीमेंट्स को यूज़ करते हैं कि जो समझो कि आपको जॉइंट्स पेन रहते हैं ज्यादा तो जॉइंट्स पेन पे आप टर्पेंटाइन लिनिमेंट अप्लाई करके जेंटली उसके मसाज करेंगे उससे मालिश करेंगे तो पेशेंट को काफी रिलीफ मिलती है ड्यू टू तो इट्स रूबिफिशियंट या फिर काउंटर इरिटेंट इफेक्ट सो so, टर्पेंटाइन लिनिमेंट रूबिफिशियंट इज ए सब्सटेंस फॉर टॉपिकल एप्लीकेशंस दैट प्रोड्यूस रेडनेस ऑफ द स्किन एग्जाम्पल बाय कोजिंग डायलेशन ऑफ द कैपिलरीज एंड इंक्रीज द ब्लड सर्क्यूलेसर तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ रूबिफिशियंट तो यहाँ पे ये स्लाइड के अंदर ये वाली चीज आपको अच्छे से समझाई कि फिर से मैं आपको बताता हूँ कि रूबिफिशियंट्स क्या है या फिर उसके लिए दूसरा वर्ड हमने यूज किया था कि काउंटर इरीटेंट तो काउंटर इरीटेंट का हम क्या करते हैं तो सबसे पहले जो भी स्किन के हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे रेडनेस प्रोड्यूस करते हैं रेडनेस क्यों प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे समझो कि जो भी हमारा जॉइंट है कि समझो कि ये लेग्स के अंदर ये वाला जो आपका कोई जॉइंट है तो यहाँ पे जॉइंट्स जब होता है तो वहाँ पे जब पेशेंट को पेन होता है कि ये जॉइंट पेन रहता है आपको तो जब आप रूबिफिशियंट एक्शन वाला ये लिनीमेंट अप्लाई करोगे तो ये वाले जो पोर्सन के आजू बाजू की जो कैपेलरीज होगी कैपेलरीज कौन सी तो ब्लड कैपेलरीज ब्लड कैपेलरीज कैसी होगी डायलेट होगी अब ब्लड कैपेलरीज डायलेट होगी तो जिसके कारण ब्लड का जो सर्क्यूलेशन है सर्क्यूलेशन ऑफ ब्लड वो इंक्रीज होगा और वो एरिया में जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो वहाँ पे आपको काफ़ी रेडनेस देखने को मिलेगी कि बाय कोजिंग द डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड एन इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन तो जब किसी को जॉइंट पेन होता है तो जॉइंट पेन में से रिलीफ के लिए अच्छे से आपको जॉइंट पेन में से अच्छे से रिलीफ मिल जाए तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ पे आपको पेन है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होना जरूरी है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ कराना है तो हम क्या करेंगे ये जो ब्लड कैपिलरीज है उसको डायलेट करना जरूरी है तो ये ब्लड की जो कैपिलरीज है उनको डायलिटन करने का काम जो है वो करता है ये हमारा लिनीमेंट कि जो स्पेशली टर्पेंटाइन लिनीमेंट का यूज़ है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखने के व्हाट इज़ द बेसिक यूज ऑफ दिस टर्पेंट एंड लिनिमेंट तो इट इज एक्ट एज एन के इसका जो मेन फंक्शन है एज अ टर्प लिनिमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गार्गल उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट फॉर वीडियो लेक्चर में ऑफ दिस लिक्विड डोजिस फॉर्म्स सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ अवर इच एंड एवरी लेक्चर द मस्ट लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो शेयर दिस वीडियो इन वेरियस ग्रुप्स कि व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम वगैरह पे आप अलग अलग सोशल साइट्स के ऊपर वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच मोर फॉर माई एजुकेशनल वीडियोज यू कैन ऑल्सो जॉइन एस ऑन व्हाट्सएप बाई सेंड यूर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स Be updated with the farmer knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of farmer Also, use their farmer for study material, test series, and video lecture. So, good luck and all the best.